वास्तविक तौर पे पर्यटन एक ऐसा विषय है जिसके बारे में आप जितना जानने की उम्मीद रखते हो उससे भी कई ज़्यादा ज्ञान ये आपको देता रहता है। इसके वजह से आपका ज्ञान भंडार समृद्ध भी होता रहता है। जर्नी एक्सप्रेस हमेशा यही कोशिश में रहता है कि आपके सामने हर प्रकार की पर्यटन स्थलों को सामने लाया जाए, लेकिन हर बार ये करना कुछ कारणवश थोड़ी सी मुश्किल हो जाता है। इस बार ऐसे ही कुछ मुश्किलों का सामना करते हुए हम जर्नी एक्सप्रेस एक जगह को चुना। हेलो फ्रेंड्स, जर्नी एक्सप्रेस चैनल पे मैं देवाशीष आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज जिस जगह के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो है पश्चिम बंगाल में स्थित पुरुलिया जिला की। पुरुलिया जिला पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए जाना पहचाना सा जगह है, लेकिन हमारे जो मित्र पश्चिम बंगाल के बाहर से हो वो लोग शायद ही सुना होगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि पुरुलिया बहुत साल से ही पर्यटकों के लिए एक मुख्य और आकर्षक पर्यटन स्थल रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों से पुरुलिया एक आकर्षक पर्यटन स्थल बनते जा रहा है। पुरुलिया क्यों धीरे धीरे एक आकर्षक पर्यटन स्थल और पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए एक वीकेंड डेस्टिनेशन बनते जा रहा है, आज इस वीडियो में कुछ हद तक इनके बारे में जानेंगे। इसके बाद और भी पुरुलिया के वीडियोज आने वाले हैं जिसमें पुरुलिया के बारे में पूरी जानकारी हम देंगे। तो पुरुलिया और अन्य जगहों के बारे में जानने के लिए जर्नी एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज इस वीडियो में हम जानेंगे सेंट्रल पुरुलिया की 12 ऐसे प्रमुख स्थान जहाँ पे आप जा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, सेंट्रल पुरुलिया। हम जर्नी एक्सप्रेस पुरुलिया ट्रिप को 3 हिस्सों में दिखाने वाले हैं। हमारा पहला हिस्सा होगा सेंट्रल पुरुलिया, उसके बाद धीरे धीरे साउथ और नॉर्थ पुरुलिया को आपके सामने लाएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं सेंट्रल पुरुलिया की 12 ऐसे प्रमुख पर्यटन स्थल।
Thank you.